इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आने वाली यह खूबसूरत जगह है मेघालय। मेघालय के नाम का मतलब होता है बादलों का घर। तो बादलों के घर में जब आप आए हैं तो रास्ते में बादल अब आते रहेंगे। और बादलों के इस घर में ही एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ इंडिया में ही नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये है वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस मौसिनराम। इस खूबसूरत जगह पर नेचर कुछ ऐसी मेहरबान है कि इस जगह ने इंडिया के नाम इतने सारे रिकॉर्ड्स किए हुए हैं जो शायद आप सबको पता भी ना हो। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ एक साल में ऑलमोस्ट 11,400 mm बारिश होती है, यानी 37 फीट से भी ज़्यादा बारिश हर साल। और 2022 में मौसिनराम ने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करके 24 घंटे में सबसे ज़्यादा रेनफॉल का रिकॉर्ड बनाया, जो है 3 फीट से भी ज़्यादा बारिश सिर्फ एक दिन में। यहाँ की सिर्फ एक दिन की बारिश दिल्ली के पूरे साल भर की बारिश से भी ज़्यादा है। तो इतने स्पेशल मौसम वाली जगह में तो आना ही था। अभी मुझे नहीं पता कि आपको मेरे पीछे या मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं हूँ वर्ल्ड के वेटेस्ट प्लेस पे। वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस मतलब इससे ज़्यादा बारिश और कहीं नहीं होती है। और यहाँ बादल ऐसे इतनी स्पीड से यूँ निकल के जा रहे हैं, अगर मैं यहाँ से थोड़े कुछ मीटर पीछे चला गया तो मैं दिखूँगा भी नहीं, जबकि इसके पीछे प्रॉपर कुछ घर हैं, एक कुछ हिल्स व्यू है जो दिख नहीं रहा है अभी। इस तरह का वेदर है यहाँ पर, तो आप आइडिया लगा लो ये जगह किस लेवल की है। और मतलब कितनी अच्छी बात है ना कि इंडिया में वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है, मतलब जहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो इंडिया में ही है। और फिर भी मतलब ये विलेज इतना फेमस नहीं है, मतलब इस विलेज में लोग ज़्यादातर घूमने नहीं आते, टूरिस्ट वगैरह बहुत ही कम ही आते हैं इस विलेज में। और अभी भी इतनी अच्छी फीलिंग है, मतलब वेटेस्ट प्लेस मतलब वर्ल्ड में इस तरह के इतने लंबे टाइम तक रहने वाले नज़ारे ना दिखे जो यहाँ पर दिख जाएंगे। कुछ देर बाद ये साइन बोर्ड भी बादलों में कहीं खो गया था। खैर, मौसम थोड़ी देर में क्लियर हुआ तो मैं इस विलेज की गलियों में घूमने लगा। 4,600 फीट की हाइट पर लोकेटेड मौसिनराम में ज़्यादातर लोग खासी कम्युनिटी के हैं, जिनको नाम मिला है इन्हीं पहाड़ों से जिन्हें कहते हैं खासी हिल्स। यहाँ का कल्चर और लैंग्वेज बाकी इंडिया से काफ़ी अलग है, पर यहाँ की लाइफ को करीब से जानने के लिए मुझे किसी ना किसी लोकल से तो बात करनी ही थी। हेलो। भले ही यहाँ हिंदी या इंग्लिश बोलने वाले कम ही लोग हैं, फिर भी अगर यहाँ की गलियों में चलते हुए आप किसी को हेलो भी करेंगे तो आपको रिप्लाई में एक स्माइल तो जरूर मिलेगी। हेलो हेलो हेलो। हेलो मॉर्निंग हेलो। और इसी बीच मुझे फाइनली एक भैया मिले जो हिंदी बोल सकते थे, और जब मैंने उनसे बारिश के बारे में पूछा तो बाप रे, बारिश में कभी आई है ना इधर जी? क्या इधर का बारिश? एक बार बारिश आ गया तो बस रुकने का नाम नहीं लेता। तो एक एक महीने तक होती है बारिश लगातार बिना रुके? एक महीने कहाँ बाप रे, एक महीना, दो महीना, तीन महीना तक भी होता है बारिश। दो महीने पर बारिश निकलने से, बारिश का मौसम ही इधर में बारिश होने से बोल वो बारिश का मौसम जब तक नहीं जाएगा वो बारिश रहेगा ही। अच्छा, रुकती नहीं है फिर? पूरा एकदम वो बादल बादल लगने से आपको रास्ता भी दिखाई नहीं देगा, यहाँ से उधर तक भी नहीं दिखाई देगा आपको।
और ये हमेशा एक महीने तक रहता है सामने पूछने के बाद में आपको दिखाई देगा और बाप रे आदमी मिल गया। अच्छा अंधेरा हो जाता है इधर। आपको हिंदी कैसे आता है? यहाँ ज़्यादातर लोगों को हिंदी नहीं आती। मेरा पिताजी नेपाली है। अच्छा आपके पिताजी नेपाली हैं और माँ खासी है। माँ खासी है। अच्छा मेरा पिताजी मतलब BSF से था पहले। BSF से। अच्छा अच्छा। और मैं मेरा पैदाशी है कश्मीर से। ये सब पूरे इंडिया का मिक्सचर है। कश्मीर में पैदाशी। अच्छा अच्छा। और बस कुछ देर में मौसम फिर से खराब हो गया। हमारे यहाँ जब बारिश होती है तो हम तो बारिश में अपनी विंडो या बालकनी में बैठ जाते हैं, पकोड़े खाते हैं या बाहर जाकर बारिश के मौसम का मज़ा लेते हैं। पर सोचिए अगर वही बारिश एक वीक तक चले या 15 दिन तक या फिर एक महीने तक, तब भी क्या हम ऐसे ही उसे एंजॉय करेंगे या फिर सीटी बजाकर इन लोगों की तरह बस अपने काम में लग जाएंगे? बस ऐसे ही यहाँ की महीनों लंबी चलने वाली बारिश में अब यहाँ काम तो नहीं रुक सकते, इसीलिए यहाँ के लोगों ने एक इनोवेटिव सा बैम्बो का अम्ब्रेला बनाया है जिसे हाथ से पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये अम्ब्रेला है कनूप। ये लगाने के बाद में आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी जैसे लोग कुछ काम कर रहे हैं आराम से, आपका हाथ तो खुला है ना। अभी दूसरा चीज, अभी छाता पकड़ने से फिर एक हाथ से कैसा काम करेगा? तो इससे आप खेती वगैरह कर लेते हैं क्या? करते हैं खेत में कहीं भी बगान उगान में कहीं भी काम करने का टाइम इसी को लगा के हम लोग काम करते हैं। अच्छा अच्छा। हल्का है तो बहुत। हाँ सही है। पहले तो प्लास्टिक भी नहीं देता था। अच्छा ये प्लास्टिक है। डायरेक्ट ये पत्ता वाला आता था बाद में, तो ये पूरा एकदम सील है प्लास्टिक देने वाला। बर्फ गिरता है ना इसमें। बर्फ गिरता है इधर? बर्फ गिरता है ना। बर्फ गिरता है। बर्फ मतलब वो जो अच्छा ओले 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 वो गिरते हैं ना, वो गिरने से ये फट जाता है। तो ओले गिरते हैं और उससे फट भी जाता है पर प्लास्टिक। अच्छा प्लास्टिक होने से थोड़ा सेफ रहता है। अच्छा तो ओले कब गिरते हैं? वही बारिश का टाइम है कभी कभी, जब फर्स्ट बारिश शुरू होता है इसी टाइम में, जून जुलाई। हाँ अच्छा आइए ना अंदर। अच्छा आ जाऊँ। अच्छा मैंने देखा यहाँ पे ज़्यादातर लोग बिल्ली पालते हैं, कुत्ते नहीं पालते हैं ना? नहीं कुत्ते भी हैं मतलब बिल्ली बहुत ज़्यादा देखी है, वरना तो कहीं बिल्ली होती नहीं ऐसे। बिल्ली यहाँ में चूहा बहुत होता है ना, इसलिए बिल्ली को रखना जरूरी है। चूहा बहुत होता है इसलिए। तो ये लकड़ी कहाँ से मिलती है आपको? ये जंगल से हम लोग लेके आते हैं। अच्छा आसपास ही मिल जाती है, खुद से ही तोड़ के लाते हैं? हाँ ये लकड़ी से हम लोग चूल्हा जलाते हैं। गैस वाला नहीं यूज़ करते हैं? गैस सिलेंडर भी है। अच्छा सिलेंडर गैस भी यूज़ करते हैं। वैसे मैंने देखा है यहाँ पे होटल वोटल में भी लकड़ी के चूल्हे पे ही बना के दे रहे हैं खाना वाना, क्योंकि थोड़ा स्वादिष्ट मिलता है ना, स्वाद थोड़ा अलग होता है। इस खासी घर में जाके मुझे खासी लोगों के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला और मैंने थोड़ी बहुत खासी भी सीख ली, जैसे कि खुबलई, जिसका मतलब होता है थैंक यू। बाय बाय खुबलई खुबलई। इन लोगों से मिलकर ये तो समझ आया कि यहाँ बारिश तो बहुत होती है, बट इतनी बारिश की आखिर वजह क्या है? उसके लिए आपको इस विलेज के किसी एक हाई पॉइंट पर जाना पड़ेगा, जहां से दिखता है ये प्लेन एरिया जो कि बांग्लादेश है, और उसके बाद है इंडियन ओशन। तो मॉनसून सीजन में इंडियन ओशन के बे ऑफ बंगाल में
जहां से मॉनसून की हवा बाकी इंडिया में एंटर करती है, उसके जस्ट सामने ही ये मेघालय की खासी हिल्स आ जाती है। तो जब ये नमी या मॉइस्चर वाली मॉनसून की हवा इन हिल्स से होकर जाती है तो ज्यादातर हवा यहीं रुककर बारिश कर देती है, और यही वजह है यहाँ साल भर की होने वाली 70% बारिश मॉनसून में ही हो जाती है। और शायद इतनी स्पेशल जगह होने की वजह से ही यहाँ कुछ ऐसे खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं कि जिनको खुद देखे बिना यकीन कर पाना भी मुश्किल है। स्पीड देखो बादलों की, तो बिलीव ही नहीं हो रहा यार, कितनी तेज़ चल रहे हैं बादल। मतलब मैं सोचता हूँ कि हाँ भाई इनका शॉट लूँगा, जितने मैं शॉट लेने की सोचता हूँ उतने में व्यू बदल जाता है, जितने मैं बटन दबाता हूँ ना कैमरा से कि हाँ ये वाला शॉट लूँगा उतने में व्यू बदल जाता है, और सारा व्यू एक से बढ़कर एक। शायद पूरा दिन देख सकता हूँ, पर इस विलेज में देखने को और भी बहुत कुछ है। मोसिनरा में से तो ज़्यादा बड़ा विलेज नहीं है, पर फिर भी यहाँ इतने स्कूल्स हैं कि सिर्फ 100 मीटर के एरिया में ही मुझे 3 स्कूल्स मिल गए। हेलो। और यहाँ स्कूल के बच्चों के हाथ में भी बैग के साथ साथ एक अम्ब्रेला भी ज़रूर रहता है। हेलो। और बारिश के सीज़न में यहाँ असेंबली भी क्लासरूम के अंदर ही होती है। पर बारिश इन बच्चों की एनर्जी को बिल्कुल भी नहीं भिगा पाई। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग क्रिश्चियंस हैं, तो इसलिए यहाँ बहुत सुंदर चर्चेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। भले ही यहाँ लैंग्वेज गैप काफी था, पर मुझे जब भी मौका मिला मैंने इन लोगों के बारे में जानने की कोशिश की। आपके कपड़े कैसे? कपड़े साड़ी? साड़ी है? तो खासी ये जेंट्स का है? जेंट्स से हम। अच्छा, आप मोहसिन राम में रहते हैं? हेलो बेटा, सिस्टर आपकी? सिस्टर है तो है? सिस्टर है आपकी? कौन है फिर? हिंदी नहीं आती? हिंदी नहीं, इंग्लिश? इंग्लिश मतलब अगर जैसे दुकान पे खाने भी जा रहा हूँ तो कोड वर्ड में बातें करनी पड़ रही है, क्योंकि किसी को हिंदी आती है थोड़ी सी, किसी को थोड़ी सी इंग्लिश आती है, चाहे कैसे भी कन्वर्सेशन हो जाता है और काम चल जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि प्रॉब्लम होती है, बस वो ठीक है यार, उतना कनेक्शन, मतलब वो कनेक्शन फील हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें, मतलब तुम एग्जैक्टली पूरा एक वर्ड टू वर्ड अपने एक दूसरे को समझ रहे हो, बट जो वहाँ से एक स्माइल आती है, इधर से एक स्माइल जाती है, जब ले थोड़ा थोड़ा वो होता है तो वो कनेक्शन फील हो जाता है, और ऐसा लगता है कि हाँ हो गई है बात, शायद थोड़ी बात तो हो गई है, ऐसा लगता है बस। और बस यही है, भले ही शायद मैं इस विलेज में घूमता अकेला टूरिस्ट था, अपने घर से भी हजारों किलोमीटर दूर था, अपनी लैंग्वेज बोलने वालों से भी दूर था, पर फिर भी यहाँ अपनेपन की मुझे कोई कमी नहीं लगी। बाय बाय खुबले खुबले। हो सकता है हम किसी ऐसी जगह पर हों कभी जहाँ लोग हमसे दिखने में, बोलने में या कल्चर में काफ़ी अलग लगे, पर यकीन मानिए
अगर आप ढूंढेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो इतना अलग होने के बाद भी हम सबको एक बनाती हैं।